देख सकते हैं कि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस वक्त ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम मुरादाबाद के नेता जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। जो बातें मंचों से कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि भीड़ सुनने के लिए आ जाएगी, पर अंत में मुसलमान जो है सपा के साथ जाएगा। हाँ, जा तो सपा के साथ जा रहा है, सपा के साथ जा रहे हैं मुसलमान। ये कह रहा है भाई कि अखिलेश, इन्होंने योगी ने कुछ नहीं दिया, तो अखिलेश यादव ने इनको भैया को क्या दिया पूछो। साफ तौर पर पूछ रहे हैं अखिलेश यादव ने मुसलमानों को क्या दिया है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अखिलेश यार, 18% नौकरी देने का वादा किया था आपको, मिला 18% नौकरी देने का वादा किया था अखिलेश यादव ने, दिया तो मुसलमानों को तो हर किसी ने ठगा है आज तक। अखिलेश यादव ने जितनी पार्टियां सारी ने, कांग्रेस सब ने ठगा है। अब हमारी पार्टी आई है निकल के यार, हम इसके दिलो जान से साथ है। मुरादाबाद कुंडलकी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अब से कुछ ही देर में यहां सभा होने वाली है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यहां पहुंचने वाले हैं, उनके चाहने वाले लोग जो हैं यहां पहुंचना शुरू कर चुके हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद में जब त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा हो, जहां कांग्रेस ये दम दिखा रही है कि वो मुसलमानों के साथ है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि मुसलमान उसके साथ है, इसी में मेरे साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी सियासत को? उनकी सियासत बहुत अच्छी है। पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ, मैं नौगांव विधानसभा से आया हूं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक बेहतरीन लीडर है, हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बेहतरीन पढ़े लिखे सबसे काबिल नेता है, और हमने ठाना है 22 में ओवैसी साहब को लाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ भी कह दे, अब लोग हमें कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ये बीजेपी की बी टीम नहीं, ये बीजेपी को हराने वाली एक नई टीम पैदा हुई है, जिसने आज बीजेपी के साथ टक्कर लेने का वादा किया है। और ये सपा बसपा, ये आज मुसलमानों का वोट अपना जो है, अपने वोट, हमारे मुसलमान भाई के वोट को जो है अपना वोट समझना चाहती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान जाग गया है। ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ है, और जहाँ तक हम जो होगा, हम जो है 22 में ओवैसी साहब को लांगे और अपनी जो है सरकार बना के इन्हें दिखाएंगे, क्योंकि बसपा ने जो है आज तक मुसलमान को जो है वोट लेकर दलितों में गिना है। अखिलेश यादव ने मुसलमान 22% मुसलमानों का वोट लेकर जो है यादवों में गिना है, लेकिन आज हम जो है हम अपना हक लेने आए हैं, अपनी हिस्सेदारी लेवेंगे और हर हाल में रहेंगे। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही है, उसी को लोग भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मुरादाबाद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के मंचों से मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है, पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मुसलमान उनको छोड़ करके ओवैसी के साथ नहीं जाने वाले। अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब ताबेदारी की बात नहीं होगी, और ओवैसी साहब ही हमारे लीडर है मुसलमानों के, जो हमारी हक की आवाज उठा रहे हैं। ओवैसी साहब भी जो है हमारे लीडर है, मैं इन्हीं के आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार मंचों से ओवैसी साहब ये कह चुके हैं कि भीड़ जो है सुनने के लिए आ जाती है, पर जब वोट डालने की बारी आती है तो यही यूपी के मुसलमान कभी समाजवादी का दामन थामते हैं, कभी कांग्रेस का दामन थामते हैं, तो कभी बसपा का दामन थामते हैं। कैसे देख रहे हैं ऐसे में जब मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जा रही है? इन कुर्सियों को मुसलमान तो देखो ओवैसी घर के क्षेत्र के हैं, विधायक लड़ते हैं तो अपने क्षेत्र के विधायक को वोट देते हैं, ज्यादातर अपने क्षेत्र का विधायक होता है उसे वोट देते हैं। क्षेत्र के तो तमाम मजलिस के लोग भी यहीं के हैं, तो किसके साथ जाने वाले हैं इस बार यूपी के मुसलमान? देखो ओवैसी साथ के साथ भी हैं और समाजवादी के भी हैं, मुसलमान दो तरफ के हैं। मुसलमान जो है सबके, यानी कि जो बातें मंचों से कही जा रही है वो कहीं ना कहीं सिद्ध होती है कि भीड़ सुनने के लिए आ जाएगी, पर अंत में मुसलमान जो है सपा के साथ जाएगा। हाँ, जा तो सपा के साथ जा रहा है, सपा के साथ जा रहे हैं मुसलमान। इसी के साथ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं लगातार मंचों से ऐलान कर रहे हैं अपने कि मुसलमान जो हैं उन्हें वोट नहीं देते, पर जब वोट देने की बारी आती है तो अखिलेश यादव को चुनते हैं, बल्कि अखिलेश यादव के मन से मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है सर,
अनदेखी नहीं हो जा रही है, क्योंकि सबके हक की बात होना चाहिए और मुसलमान के पास विकल्प सिर्फ क्या है, समाजवादी है। मुसलमानों के पास विकल्प जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितने नंबर देंगे योगी सरकार को, कितना विकास हो पाया उत्तर प्रदेश में? सर मैं तो उनको जीरो नंबर दूंगा योगी सरकार को। किस आधार पर जीरो नंबर देंगे? इस आधार पर देंगे कि जब से योगी सरकार बनी है आप देख सकते हैं जनता परेशान है, रोजगार का नाम नहीं है। कोरोना का जब दौर चला, लाशें नदियों में बही और रोडों पे पड़ी, कोई परेशान हाल नहीं था। दिल्ली से लोग पैदल न जाने कहां कहां गए, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। अब जनता जानती है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि उसके साथ पिछले वक्त में सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या किया। योगी सरकार बिल्कुल फेल रही, जो रोज़गार का वादा किया ना वो रोज़गार मिल पाया, और उनके साथ में जो नौकरियां देने की वादी की थी तो नौकरी देना तो अलग की बात, जो नौकरियां थी वो भी लोगों की ख़त्म हो गई है। हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलकर इस वक्त समाजवादी पार्टी के का साथ दे रहे हैं, और आप देखेंगे कि पूरी बहुमत के साथ इस वक्त साइकिल आ रही है। पूर्ण बहुमत के साथ जो है साइकिल आने का दावा ओवैसी की रैली के पहुंचे हुए लोग कर रहे हैं। मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा, योगी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी और विकास की गंगा बाई है। अरे कहां रहे योगी, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया योगी ने। तो योगी जी तो दावा कर रहे हैं ना लगातार, इसी पर कचूते बना रहे, दावा कर रहे हैं, कुछ ना दे रहे योगी सरकार, कुछ ना दिया योगी ने। कितने नंबर देंगे योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को? जीरो नंबर देंगे। किस आधार पर? तो काम ना करा तो दावा कर रहे ना, काम किया दावा अखबार में मीडिया में तो करा दावा इनका आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा है भाई कि अखिलेश, इन्होंने योगी ने कुछ नहीं दिया, तो अखिलेश यादव ने इनको भैया को क्या दिया? पूछो, साफ तौर पर पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव ने मुसलमानों को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। अखिलेश यार 18% नौकरी देने का वादा किया था आपको, मिला 18% नौकरी देने का वादा किया था अखिलेश यादव ने, दिया? इस सरकार में परेशान रहा सब लोग, अगले सरकार में परेशान कोई ना रहा, हर किसी ने परेशान करा मुसलमानों को, 70 साल से ठग हुए आ रहा है, कोई सामने से बार करता है, कोई पीछे से बार करता है। समाजवादी ने या बहुजन मायावती पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबने मुसलमानों को ठगा 70 साल में और कुछ नहीं किया, सबने मुसलमानों को ठगा है। साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी का मुसलमान इस बार छोड़ करके जाने वाला नहीं है अखिलेश को, सब चले गए छोड़ के, अब कोई ना है, अब ओवैसी के साथ है, सब ओवैसी के साथ है। पर ओवैसी साहब अपने मंचों से ऐलान करते आए हैं कि मुसलमान जो है सुनने के लिए आ जाते हैं, पर जब वोट डालने की बारी आती है तो कभी अखिलेश यादव, कभी मायावती, तो कभी कांग्रेस में जाते हैं। अब एक तरफा मुसलमान है, अब सब जो है जागरूक हो गया मुसलमान, जितना भी जागरूक है, अब ऐसा नहीं है, पहले दरी बिछाते थे, अपने बिछा रहे कोई दरी, दरी बिछाने का काम जो है मुसलमान नहीं करने वाले। मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि अखिलेश यादव जो है उनके मंचों से मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, कैसे देखते हैं इन चीजों को? तो मुसलमानों को तो हर किसी ने ठगा है आज तक, अखिलेश यादव ने, जितनी भी पार्टियां सारी ने, कांग्रेस है, सब ने ठगा है। अब हमारी पार्टी आई है निकल के यार, हम इसके दिलो जान के साथ है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि 1 से 2 लोग जीत जाएंगे, क्या कर लेगी ओवैसी की पार्टी अगर जीत गई तो? 1 से 2 लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर एक की जरूरत पड़ जाती है ना सरकार खरीद ले, एक की जरूरत पड़े खाली एक की, अगर मान लो तुम्हारे पास 200 आ गई, उनके पास 200 आ गई, एक की जरूरत पड़ी तो क्या होगा ये बताइए आप? अखिलेश यादव का जो घमंड है वो इंशाल्लाह 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है ये इनका घमंड तोड़ देंगे इंशाल्लाह, MIM पार्टी के लोग से। MIM पार्टी जो है इस बार हमारी एक अच्छी पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, आपका ये हम जीत के आ गए हैं, करीब आ गए हैं, सारे मुसलमान भाई हम सब के सब एक साथ जुट होकर आपका जी हाजी बारिश साहब को कामयाब बनाएंगे, 29 कुंदरगी से हम, और जो हमारी साबा सरकार गुजरी है जब डील नहीं नोचा साहब 5 किलो में 4.5 किलो 4 किलो 3 किलो तक का हाथ का हाथ करा आपका, सारे डीलरों ने जो है अखिलेश यादव के नाम पर नोचा, नाम पर नोचा कर नोचा करा सब नोचा। चलिए बीते 5 साल जो है योगी सरकार के कैसे रहे हैं? योगी सरकार के इतने बुरे गए कि मैं एक संविदा कर्मी हूँ, ये हाथों पे की रोजी छीन ली, मैं शिक्षा प्रेरक हूँ, जो 2200 महीना मिलते थे मुझे वो आज योगी जी ने हाथ पैसे ले लिए।
साले जो आपको 2200 रुपए मिलते थे वो योगी जी ने आपसे छीन लिया हमसे, हमारे अम्मा घर बजा दिया, 4.5 साल काम कराया, इंटर पास कर लिए हम, और पास करने के बाद देख सकते हैं कि इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है इस वक्त ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम मुरादाबाद के नेता